शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सबको गिरफ्तार कर लो। तुम भागी नहीं? तुम्हें गिरफ्तार होने का ज्यादा शौक है क्या? गिरफ्तार ही कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, जिल्लत की जिंदगी से तो छुटकारा मिलेगा। क्या ये काम तुमसे जबरदस्ती करवाया जाता? मैं यतीम हूँ, एक बूढ़ी दादी के अलावा मेरा कोई नहीं। मेरा सौतेला भाई और सौतेली माँ मुझसे ये काम करवाते हैं, वरना मारते हैं, भूखा रखते हैं। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, या किसी भी तरह इस जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा दे दीजिए। अच्छा, मेरे साथ। मामा, भैया को पुलिस पकड़ के ले गए। क्या कहा? मेरे बेटे को फंसा कर तू यहाँ भाग रही है? इसीलिए तो कहती थी मुझसे जबरदस्ती ये काम मत करवा। मुझसे जबरदस्ती ये काम मत करवाया करो। जानकी, तेरे बाप ने तेरा नाम लक्ष्मी क्यों रखा था? ताकि जब जिस वक्त तुम इस घर में कदम रखो, लक्ष्मी लाया करो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जाओ, किसी भी हालत में उसको छुड़ा के ले आओ। कैसे छुड़ा के लाऊं? मेरे पास जमानत के लिए पैसे भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, तो किस तरह लाएगी पैसे, क्या करेगी? झट पाप कुछ भी कर। जमानत के पैसे? अबे ओ बुढ़िया, अबर में टांगे लटकाई बैठी हो, लेकिन जेवर का शौक अभी तक नहीं गया। चल निकाल इन्हें जल्दी से। नहीं, ये मैंने लक्ष्मी के यहाँ के लिए रखे। तुम्हें नहीं देंगे। अगर लक्ष्मी जैसी लड़कियों की शादी होना शुरू हो जाए तो कोठों पे ताले लग जाएंगे। चल बुढ़िया, चुपचाप निकाल के दे रहे, अच्छी तरह से निकाल के दे रहे, अब कानों के समय छोड़ देंगे। अरे आई छुड़ाने वाली? सब सुन लिया है मैंने, छोड़ दो इन्हें। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर अमर खन्ना। क्या पुलिस? तुमने इनको बुलाया है? तुम्हें जेवर पहनने का बहुत शौक है ना? इससे अच्छे जेवर और कौन से मिलेंगे? आप क्या कर रहे हैं? आपको गलत फहमी होगी बेटी, तुम ही इनको समझाओ ना। हम इनसे चार आदमी है, आप इनसे पूछिए ना, हम इनको कितना प्यार करते हैं। माँ जी, आप ही समझाइए ना। मैं सब समझ चुका हूँ, ले जाओ इसे। ये क्या हो रहा है? क्या धोखेबाजी है मेरे साथ? मैं सबको देख लूंगी। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा, मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन इसके लिए डरती हूँ। रंजीत छूट कर आएगा तो अपना और अपनी माँ का बदला इससे लेगा, बहुत जुल्म करेगा इस पे। घबराइए नहीं माँ जी, वैसे तो रंजीत अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, सीआईडी इस घर पर 24 घंटे नजर रखेगी। आप इस घर में आराम से रहिए। लेकिन ये घर हमारा नहीं, उन लोगों का है। कई महीनों से उन लोगों ने किराया भी नहीं दिया, मकान मालिक ने नोटिस दे दिया। तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए। कहाँ? मेरे घर। जी जी। सुअर का बच्चा, चौ टके का आदमी होकर लाखों टके का माल किरा दिया। तुम? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी? पत्ता मई जूता खराब कर दिया, साफ करो जल्दी। अच्छी तरह साफ करो, छह मकान चाहिए, क्या कल देखना चाहिए? मेरी बेटी कहाँ? बेटी? कौन सा बेटी? उस राज्य से तुम उठा कर ले गए थे। हमें कुछ याद नहीं। याद करो, प्लीज याद करो। उस राज्य में सोया हुआ था।
याद आया? हाँ याद आ गया। आया ना? हम भी सोच रहा है कि विस्की पीने में मजा क्यों नहीं आ रहा है। पारफ डालना भूल गया। अच्छा ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ। कभी नहीं रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं और तुम मेरे कदमों में। मुझे सिर्फ इतना बतला दो मेरी बेटी कहां है। तुमने मेरी बीवी और बच्चों को भूखों तड़पाया, उन्हें हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर दिया। तेरे इस कमीनेपन के बावजूद मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से बढ़कर समझा, उसे पढ़ने लिए विलायत भेजा। विलायत? हाँ, और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है। मुझे एक दफा उससे मिलने दो प्लीज। तो उससे नहीं मिल सकता, मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो। अच्छा उठाओ। देखो सब काम ठीक तरह से होना चाहिए, खबरदार रहना। दिल, मैं अच्छी तरह जानता था कि तेरे जैसे कमीने सिर्फ पीठ परिवार का तुम्हें सीने पर नहीं। पकड़ लो इसे। हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। ऐसा तो आदमी लाइफ में दो ही टाइम भाग, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। तुम कहे में भगता भाई? ओ बिस्कुट, कौन सी फैक्ट्री का है? नहीं ये तो बाहर का माल मालूम पड़ता है भाई। ब्रदर, ब्रदर, हमको कुछ छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे लगी है। काय को छुपाएगा भाई, तुमको पुलिस के अंदर देगा तो अपन को 20% मिलेगा और पेपर के अंदर अपना फर्स्ट क्लास हीरो का माफिक फोटो चलेगा। क्यों है कि नहीं? ब्रदर हम तुमको इसमें से आधा सोना देखा आधा। Amen। तुम कोई पुलिस वाला पे हाथ बात तो नहीं उठाए? नो नो आई स्वेयर। अपना नहीं। हाँ भाई अभी हिसाब किताब का बात करो। ये माल का तीन पार्ट करना होगा, एक तुम्हारा, एक अपुन का, एक अपुन के पार्टनर का। ओ ऊपर वाला अपुन का पार्टनर है, हमारा उसका पुराना कंटिन्यूटी। लेकिन तीन नहीं, अभी पुलिस को बुलाता है। बताओ हमको मंजूर है? मंजूर है ना। चलो और देखो भाई, अपन को कोई फांदेबाजी नहीं चाहिए, नहीं तो अपन भी हम जीसस का कसम खाते हो। डॉक्टर साहब अब कैसी तबीयत है इनकी? ही स्टिल इन अ क्रिटिकल कंडीशन, अब भी खतरा है। डोंट वरी, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट। डॉक्टर साहब मैं बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, इन्होंने मुझे माँ बाप का प्यार दिया, इन्हें किसी तरह बचा लीजिए, मैं दोबारा अनाथ नहीं होना चाहता।
अगर हमारे साहब को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताओ कि हमारे साहब को गोली किसने मारी? तुम्हें याद आया? आया साहब, मैं बताता हूँ। उसका नाम है रॉबर्ट। और उस आदमी का नाम क्या है जिसके लिए तुम काम करते हो? बोलो। साहब, आपको इंस्पेक्टर देसाई बुला रहे। अमर, इस आदमी ने रॉबर्ट को देखा है। कहाँ देखा है? एंथोनी के साथ, एंथोनी वाड़ी में। एंथोनी, चलो। पुलिस, तुम लोग उस तरफ जाके पूछो। ए, ए तुम, हाँ हाँ तुम, इधर आओ। अपन कोई लफड़ा नहीं किया साहब, कोई लफड़ा नहीं किया। अपन का तो लाइसेंस बाहर है, ये देखो लाइसेंस नंबर 108 इधर चिपकाया है कि नहीं? सलाम साहब। अच्छा सेड्रिक, अरे अरे साहब के लिए कुछ। यहाँ एंथनी कौन है? एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है सर। वो बाजू के मोहल्ले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे। मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है। ऐसा क्या? जरूर देखा होगा साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन। इस बुढ़िया को मैंने खून दिया था, उसको तुमने भी तो खून दिया था। तुम्हारा नाम भी तो एंथनी है ना? हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगे लाया, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब। हाथ मिलाओ। नहीं, नो टाइम हो गया। रॉबर्ट कहाँ है? रॉबर्ट? कौन रॉबर्ट? ओ, वो पास बॉलर एंडी रॉबर्ट। अरे साहब, मैच खत्म हुआ, वेस्ट इंडीज चला गया, अपन से साला मिलके भी नहीं गया। अच्छा साहब, देखो साहब, अपन को इस मोहल्ला में 22 इयर्स हो गया, अपन एक से एक साहब को पहचानता है, बड़ा से बड़ा साहब को सलाम करता है, तुमको भी सलाम किया, पर आज तक अपन को कोई ऐसे नहीं पकड़ा। तुम फर्स्ट एंड लास्ट आदमी है। बताओ रॉबर्ट कहाँ है? देखो साहब, अपन तुम्हारा वर्दी के वजह से इधर चुप बैठेला है, नहीं तो माइक कसम तुम्हारी जगह कोई और होता तो हॉस्पिटल का खटिया पकड़ लिया होता। तो अपने मोहल्ले वालों के सामने रोब जमा रहा है तू? हाँ, यहां का दादा है तू? हाँ, और इस वर्दी की वजह से चुप बैठा है? हाँ, चल देखता हूं तेरे में कितना दम है। हाथ मिलाना पड़ा कि नहीं? कराटे भी आता है? तब तो कुंग-फू भी आता होगा। साला, अपुन का भेजा खराब है, तुम्हारे साथ फाइटिंग करेगा? पहले बोला था ना साहब, ला हाथ मिला। ये पैंतरे बहुत पुराने हो चुके हैं। क्यों ब्रदर, ये पैंतरा तो नया है ना? नहीं, पुलिस पे अपन हाथ नहीं उठाएगा, पुलिस तो अपन का माई बाप। छोड़ दो इसे।
क्या हुआ? अबे तू तो इस मोहल्ले का दादा है, चलो उठ। देख सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे तेरे बारे में। हे पार्टनर, ये पिटाई में भी 50-50 आ जाना। देख अपन जाता है, जरा संभालना, इज्जत का सवाल है। आठ, आठ। लेके आया ना अपुन को, पर चीटिंग से लाया इंस्पेक्टर। अरे बाप रे, बहुत दुख है रे इंस्पेक्टर साहब। अपुन अपना लाइफ में इतना मार कभी नहीं खाया। अरे अपुन तो अकेला 10-10 को घुमाया, कोई टच करने को नहीं सका। तुम अपुन को 10-10 मारा, अपुन तुमको सिर्फ 2 मारा। पर बुलेट मारा कि नहीं है, है कि नहीं है? अरे हाँ बोलना। शट अप विल यू, तुम्हारी यहां बकबक नहीं चलेगी, समझे? अमर बेटे देख तो, आज मैं तेरे लिए तेरी पसंद के फूल लाई हूं। बहुत अच्छे फूल है माँ, लेकिन तुम ये रोज रोज तकलीफ क्यों करती हो? तकलीफ कैसे बेटे? अरे ओ भाई, अरे ये तो एंथनी की आवाज है। Then what? अरे इतना सॉलिड आवाज और किसी का हो सकता है? क्या? बहुत मारा मेरे को ये। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे लॉकअप में बंद कर दिया माँ जी। लेकिन बेटे, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। इसने भी मुझे अपना खून दिया था। ये भी मेरे बेटे के समान है, जैसे कि तू। ए माई, ये क्या बोलता है माई? ये भी तेरा बेटा, अपुन भी तेरा बेटा। ये हिसाब से तो अपुन दोनों भाई भाई होना मांगता। क्यों ब्रदर, है कि नहीं? है? अरे अभी तो हाँ बोलना। अमर बेटे इसे छोड़ देना। माँ जी ये, अरे नहीं, ये अपुन को छोड़ने बोलने वाला नहीं है। अगर अपुन इसका सगा भाई भी होता तो भी नहीं छोड़ता। बहुत कड़क है भाई, बहुत कड़क। ऐसा नहीं है ये। अरे हवलदार, एंथनी को ले जाओ, कोर्ट का टाइम हो गया। चलो भाई। ये माई देख, अपुन पहली बार पुलिस स्टेशन आया, तुम अपन को इंस्पेक्टर का भाई बनाए। आज अपन पहली दफा कोर्ट में जाता है। एक फूल देगा गुड लक के लिए। क्या है, उधर जाके इसका माँ को कड़क आदमी मिलेगा ना, तो अपन इसको ये फूल देकर के अपन उसको अपन का बाप। माई थैंक यू, माई भगवान तुझे सुखी रखे। चलो भाई। एंथोनी कहाँ गया?
पट्टी खोल दो। अरे भाई अपुन को किधर लेके आया है? आप कौन है? माई बाप? माई नहीं, तुम्हारा बाप। अरे अपुन का अगर तुम्हारा शरीर का बाप होता तो साहब कौन बाप का हिम्मत है कि आप उनको इधर पकड़ के लाता? बोल है कि नहीं? सब ये लो सब। ये क्या है? अपुन माई को बोला था कि अगर अपना भी कोई बाप निकला तो उसको ये रोज लावर देगा। ये लो सब। कुछ खाओगे? Why not? अगर बाप खिलाएगा तो बेटा ऑफकोर्स खाएगा। रॉबर्ट कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरे को पूछते? हाँ तुम्हारे से। अरे 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 भगता का को भाई, अपन तो खाली माँ का आशीर्वाद लेने को जाता है, ये देखो। छोड़ दो इसे। साहब आप भगवान को मानता है? अपन भी बहुत मानता है। अपन तो बहुत मानता है साहब, बहुत मानता है। अपन सब धर्म को मानता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, गुरुद्वारा जाता है, पर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना साहब, तो थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन में माता टेक आता है। अभी अपन चुपचाप बैठे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, रॉबर्ट कहां है? कौन रॉबर्ट? एक्टिंग मत करो और सीधी तरह बताओ, वरना मेरे आदमी जबरदस्ती जबान खुलवाना भी जानते। अरे नहीं साहब, जबरदस्ती क्या को करना, अपन तुम्हारा नमक खाया बेमानी करेगा साहब। ये रॉबर्ट इधर तो भी होता पर याद नहीं आता साहब, कोई काम नहीं करता, थोड़ा हवा खा के आता साहब। बैठे रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें यहीं हवा खिलवाएंगे। उनको बिठाओ, मैं अभी आता हूं। सुनो, इसे अच्छी तरह से खाना खिलाओ और उस वक्त तक खिलाते रहो जब तक कि ये रॉबर्ट का पता ना बता दे। आता है। अभी तो अपन का भूख भी मर गया। ए, थोड़ा हवा आंदो ना। सारे लोग को तुम्हारे बीच में से मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम शहर का कोना कोना छान मारो मगर उसे कहीं से भी ले क्या। यू अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट आंसर इट। तुम यस ब्रदर, इसको बराबर से बंद करो। सब कैदी लोग अपन माफक शरीफ नहीं होता है। एंथनी तुम ब्रदर, अपन को लगता है अपन फालतू के लफड़ा में फंसे। इधर आता है तो तुम पूछता है कि रॉबर्ट किधर है, उधर जाता है तो बड़ा बड़ा गैंगस्टर पूछता है रॉबर्ट किधर है। चक्कर क्या है? किस गैंगस्टर की बात कर रहे हो तुम? अपन को क्या मालूम वो कौन था, अपन तो उसको होल देके इधर भाग आया। ताओ एंथनी, जब तुम यहां से भागने का मौका मिला तो तुम यहां वापस क्यों आ गए? देखो ब्रदर, अगर अपन इधर वापस नहीं आता तो तुम्हारा नौकरी खतरे में पड़ता। पड़ता कि नहीं? फिर माँ जी अपन को बोला कि तुम और हम उसका बेटा के माफिक, इसका मतलब तुम और हम भाई भाई है कि नहीं? एक भाई दूसरे भाई को कैसे चीटिंग कर सकते? एंथनी एक बात बताओ, बोलो। एक तरफ तुम अपन को भाई कहता है और दूसरी तरफ तुम उस मुजरिम का पता बताने से इनकार करता है जिसने हमारे साथ पर गोली चलाई है। तुम कैसे भाई है? क्या बोला? रॉबर्ट तुम्हारे साथ पे गोली चलाए? इसका मतलब वो अपन को छुप बोला? चलो ब्रदर, अपन आपको बताता है रॉबर्ट किधर है। चलो रॉबर्ट अपने को धोखे से मार के भाग गया। What? तुम उसको रोका क्यों नहीं? I'm sorry brother. What sorry?
तुम जानते हो तुम्हारी गलती की वजह से एक मुजरिम पुलिस के हाथों निकल गया। मिस्टेक, अपन का मिस्टेक हो गया बनता। वो अपन को बोला इसने कि वो पुलिस पर गोली चलाए, नहीं तो अपन उसको, तुम मांगता तो तुम अपन को इससे अंदर बंद करने। अगर पुलिस ने एक महीने के अंदर उसे गिरफ्तार नहीं किया तो मैं तुम्हें दोबारा अंदर बंद कर दूंगा, इसलिए अपनी खातिर तुम अभी से उसे ढूंढना शुरू कर दो, समझे? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो एक दिन इस घर में पुलिस जरूर आएगी। yes, मैं जिस काम को तुमको मना किया तुम उसको किया, नुकसान उठाए ना। yes, अब जो मैं कहूंगा मानोगे? yes, जो वो कहूंगा करोगे? yes, father. तुम फौरन शादी कर लो। yes, no, father. शादी नहीं, ये नहीं करेगा। तुम और कुछ भी करने को बोलेगा करेगा, लेकिन शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तेरे उल्टे सीधे धंधे बंद हो जाएंगे इसलिए। पर किससे करेगा फादर? कोई अपन का टक्कर का छोकरी मिलने को मांगता ना। क्या मतलब? I mean फादर जिसे देखकर मन का वायलिन ऑटोमेटिक बजने को चालू हो जाए, दिमाग का घंटी बजने लगे टिंग टोंग टिंग टोंग, ऐसा ऐसा लगना मांगता फादर जैसे जन्नत का परी प्लेन में उड़कर मेरे दिल के एयरपोर्ट में लैंड कर रही हो। आप अपनी बेटी को पहचानोगे कैसे? बहुत आसान है, वो लंबा कोट और काली टोपी वाले आदमी को देख रहे हो? और जिस लड़के से बात कर रहे हो उसे अपने साथ ले जाएगा, वही मेरी बेटी है। वेलकम होम। मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे मरहूम डैडी का दोस्त। कम माई चाइल्ड, कम। Jenny, come my daughter, come now. हेलो जेनी, वेलकम होम। अंकल ये सब क्या था? ये सब नाटक था तुम्हें बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? हाँ, आओ। ये जो आदमी अभी यहाँ से गया यही तुम्हारे बाप का कातिल है और तुम्हें भी किडनैप करने आए थे। बैठो मैं रास्ते में बताता हूँ। कम ऑन ड्राइवर। आज से 22 साल पहले 15 अगस्त को मैं इसी आदमी से जान बचाकर भाग रहा था। मेरे तीन बेटे मेरे साथ थे, उनको बोरीवली पार्क में छुपाकर मैं भागा। इन लोगों ने मेरा पीछा किया। मैं किसी भी तरह इनसे जान बचाकर जब वापस पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मेरे तीनों बेटे मुझसे बिछड़ गए। I'm sorry, अंकल। भगवान ने चाहा तो आपके बेटे आपको जरूर वापस मिल जाएंगे और उस आदमी को अपने किए की सजा मिल जाएगी। चलो यार, चुपचाप खड़े रहो, कोई हिलेगा नहीं। मेरी जिंदगी खतरे में है, चुपचाप खड़े रहो। शाबाश रंजीत, तुमको अपने गैंग में शामिल कर रहे हमने बहुत बड़े अकलमंदी किया। ये तो कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरी बहादुरी का सिर्फ एक नमूना है। तुम जानते हो इसने लाल किस भेजे हुए तोहफे के साथ हमें क्या सलूक करना है। ले जाओ, ले जाओ। माय गॉड। और वो है ज़िबिस्को। हाय। Fantastic muscles. आज से ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है, जहां तुम जाओगी तुम्हारे साथ जाएगा।
you believe in one God, the Father of your life. Brethren, I do not consider.